स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। जब चांस मिला तुझे तूने मैंने इंसल्ट किया, क्लास के अंदर क्लास के बाहर सब जगह, लेकिन अब तू मेरा पेशेंस ट्राई कर रहा है। अनुराग शट अप, और अब मेरी बात ध्यान से सुन। तानी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरी वजह से एक बार ऑलरेडी हमारी फ्रेंडशिप टूटे टूटते बच चुकी है। उस बार तूने मुझे भड़काया था और इस बार तू उसे भड़का रहा है। अरे क्या मिलता है तुझे ये सब करने में? अनुराग तुझे तुझे कोई कंफ्यूजन है, वो हम बाद में सॉल्व करते हैं। अब तू सुन और समझ। एग्जाम्स आ रहे, ऊपर से कुछ पढ़ा भी नहीं हम लोगों ने। यू गॉट सिल्वर मेडल ना? वैसे गोल्ड होता तो और अच्छा होता, बट इट्स ओके, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। यू नो सुबोध, आज की रेस मेरे लिए बहुत स्पेशल रेस थी। पूछो क्यों? पूछना क्यों? क्योंकि आज अनुराग लास्ट नहीं आया। ग्रेट ना? बाय द वे, तूने कहीं अनुराग को देखा है? बस अब उतना ही बाकी रह गया था मुझे। अनुराग कहाँ जाता है, क्या करता है? अरे मैं क्यों देखूं? तुझे उससे काम है ना, तो तू ही जाकर उसे ढूंढ लेना। हाँ यही कहीं होगा, जा उसे ढूंढ ले प्लीज प्लीज। ए अनुराग, मैं तुझे ही ढूंढ रही थी। चलना मुझे कुछ काम है तेरे से, चलना। मुझे अनुराग को सबक सिखाने का अच्छा आइडिया मिल गया। हाय दानी, तू बाहर कैंटीन में नहीं? नहीं, वो मुझे कुछ याद करना था ना इसलिए। अच्छा सुन, मैंने ना कुछ गेस किया है, तू बस अपना ओपिनियन बता। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल अनुराग किसी लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में, मतलब तू ही देखना, अचानक डाइट वाइट करने लगा है, एक्सरसाइज करने लगा है, शेव वेव करके आता है, उसके लिए मार खाता है तो ऊपर से प्राउड भी फील करता है। ये सब किस बीमारी के सिम्टम्स है? आई एम तो श्योर कि उसे कोई लड़की पसंद आ गई है। तुझे पता है वो लड़की कौन है? ऑब्वियसली तुझे तो पता ही होगा, आफ्टर ऑल ही इज योर बेस्ट फ्रेंड ना। अच्छा चल मैं ही बता देता हूँ, वो जिसे पसंद करता है वो अभी भी उसी के साथ है। कौन? अरे अपनी एम। एम? हट। आई एम श्योर उन दोनों में कुछ चल रहा है। तुझे मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा ना, तो खुद ही सोच कर देखना। कितने बार तूने अनुराग से खाना कम करने के लिए कहा, उसने तेरी बात मानी? नहीं मानी। लेकिन इस एम ने एक इशारा क्या कर दिया, बॉस खाना पीना सब बंद कर दिया उसने। एम को स्लिम लड़के पसंद है तो अनुराग ने इमीडिएटली एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। अब एक लड़का किसी लड़की की इतनी सारी बातें तभी मानता है जब उस लड़की को पसंद करता हो। तू अग्री कर या ना कर, वो लड़की एम ही है। तू पागल हो गया क्या? अनुराग और वो चश्मेश कितनी चेंज हो गई है, वो चश्मा उश्मा सब गायब, तुम मॉडर्न बन गई। डेफिनेटली अनुराग के कहने पर। तुझे मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा है ना, तो खुद ही चलकर देख लेना, वो दोनों अभी भी एक साथ है। चल चल। कांग्रेट्स अनुराग, यू नो व्हाट आई फील, हमें तेरा थर्ड लास्ट आना सेलिब्रेट करना चाहिए। कल फिल्म देखने चले? हाँ, एक्चुअली कल मैं तानी के साथ मैथ ट्यूशन जा रहा हूँ ना। ओके, तो फिर परसों चलते हैं। परसों भी मैं तापोजदा का प्ले देखने तानी के साथ जा रहा हूँ। तरसों? हाँ, तरसों मैं तानी के साथ एक्चुअली। कम ऑन अनुराग, जो करना है जहाँ जाना है सब तानी के साथ, वो अकेली तेरी फ्रेंड है क्या? मैं भी तो तेरी फ्रेंड ही हूँ ना। हाँ बाबा, तू भी मेरी फ्रेंड है, लेकिन एक डिफरेंस होता है ना, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा ठीक है।
काम करते हैं अनुराग, संडे को तो छुट्टी होती है ना, हम फिल्म देखने संडे जाते हैं। ओके। पक्का ना, सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके। ओ, तो फिल्म की प्लानिंग चल रही है। वैसे इन दोनों के लिए तो ये रूटीन है, उस दिन भी तो आए थे ये दोनों अकेले, हमसे छुपाने में कोई कसर नहीं छोड़ी दोनों ने। लेकिन हम जा पहुंचे और दोनों की चोरी पकड़ी गई। अरे ये तू यहाँ कैसे? अनुराग के साथ आई हूँ। तो वो कहाँ? अंदर सिनेमा हॉल में, बस आ ही रहा है। अनुराग ने मुझे खुद इनवाइट किया फिल्म के लिए। तू एएम है ना? तू एएम है ना? नो चश्मा, नो चोटी, नो चोटी। क्या बात है? ये मेरा नया लुक है। दादा को ना कुछ हो गया, खाना वाना तो बिल्कुल ही कम कर दिया। मुझे तो लगता है किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कर दिया। अब तो तुझे बिलीव हो रहा है ना कि इन दोनों में कुछ ना कुछ चल रहा है। आज तुझे सुबोध से प्यार नहीं है तो ठीक है, लेकिन कल जाकर अगर मुझे किसी और के साथ प्यार हो जाए ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। मुझे अनुराग से कुछ बात करनी है अकेले में। बाय अनुराग, संडे पक्का। हाँ कुछ पूछना है तुझसे। तू एम को पसंद करता है क्या? देख अनु, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी है तू मुझे सच सच बता दे। हम दोनों ने डिसाइड किया था ना कि हम में से किसी भी एक को अगर कोई और पसंद है तो दूसरा बीच में नहीं आएगा। तानी, इसी बात को लेके पहले भी हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है ना अनु, और हमारी फ्रेंडशिप भी अफेक्ट हुई थी, और मैं नहीं चाहती फिर से ऐसा कुछ हो, इसलिए मैं सामने सामने तुझसे बात क्लियर करने आई। बोल क्या सच है? अरे क्रेजी, पागल हो गया तू? समझती है मैं पागल हो गया हूँ? मुझे एएम कहाँ से पसंद आने लगी, और ये बात तेरे दिमाग में डाली किसने? ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई थी, उसके दिमाग में आई थी, और मैं तो बस तुझसे क्लैरिफाई करने आई थी। ये कीड़ा किसके दिमाग में आया? सुबोध के। सुबोध, और तूने उसकी बात मान भी ली? वही जिसने पहली बार हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी? वो सब मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानती हूँ कि हम दोनों की फ्रेंडशिप के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, और इसीलिए मैं तुझे कह रही हूँ तेरे दिल में ऐसी कोई भी बात हो तो मुझसे कभी मत छुपाना। छुपाने वाली कोई बात है ही नहीं, मुझे ये पसंद ही नहीं है। सुबोध, तू रुक, मैं तुझसे ना बाद में बात करता हूँ। कर रहा है ना ठीक नहीं कर रहा है। अब अनुराग तू बैठ ना, मैं अभी जस्ट आता हूं। आज तक तूने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। जब चांस मिला तुझे तूने मैंने इंसल्ट की, क्लास के अंदर, क्लास के बाहर, सब जगह। लेकिन अब तू मेरा पेशेंस ट्राई कर रहा है। अनुराग शट अप, और अब मेरी बात ध्यान से सुन। तानी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरी वजह से एक बार ऑलरेडी हमारी फ्रेंडशिप टूटते टूटते बच चुकी है। उस बार तूने मुझे भड़काया था और इस बार तू उसे भड़का रहा है। अरे क्या मिलता है तुझे ये सब करने में? अनुराग, तुझे कोई कन्फ्यूजन है? वो हम बाद में सॉल्व करते हैं। अब तू सुन और समझ, और हाँ
कभी झूठ बोलने की कोशिश मत करना। तानी ने मुझे सब कुछ बता दिया, इसलिए मैं तुझे ये वार्निंग दे रहा हूँ। एक्चुअली ना ये तेरी लास्ट वार्निंग है, क्योंकि इसके बाद मेरा मुंह नहीं मेरा हाथ बोलेगा। और तुझे पता है सुबोध कि अगर मेरा हाथ तुझ पर पड़ा तो तेरी क्या हालत होने वाली है। सूखी लकड़ी जैसा है, इसलिए अपनी औकात में रह, समझा ना? क्योंकि अगर मेरे और तानी के बीच में कुछ हुआ ना ये मार खाए दस्ता इसके ऊपर ना दस्ता ना इसके ऊपर सूखी लकड़ी एम्बुलेंस मंगाओ ये तूने भी अच्छा नहीं किया मोटू। सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी। अब मैं भी तुझे वो मजा चखाऊंगा कि तू हमेशा के लिए याद रखेगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।